ये उलमा भी तशरीफ माए चिरे चुरे नजर मुझे आ रहे हैं, उनके लिए भी अर्ज है। अजमा हम जो बरेलवी है ना जी, हमारा सारा जोर इसी पे होता है कि कुल हलाल ने, कुल हलाल ने, कुल हलाल ने, कुल हलाल ने, साता हलाल है, चिरिसवा हलाल है, ये यही जोर होता है। जो कभी किसी ने मिरास की बात नहीं की, नबी अल्लाह फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और इल्मे मिरास नहीं पढ़ा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे सर तो है उसका मुंह नहीं है। नबी अल्लाह फरमाया जिसने किसी को मिरास से बेदखल किया, किसी ने किसी को मिरास से महरूम किया, अल्लाह उसको जन्नत से महरूम करेगा। नबी अल्लाह फरमाया जिसने किसी का एक बलिश्त एक गिठ जमीन पर नजायज कब्जा किया मदाने मैशर में, तहत सरा से लेकर उतनी जमीन तक उसके गले में डाल दी जाएगी। मैं बड़े इतने मैं कुल्लों पे गया हूँ, इतने चलिसियों पे गया हूँ, इतने साते पे गया हूँ, इतनी जगहों पे गया हूँ, इतने उर्सों पे गया हूँ, मैंने कभी किसी के मुंह से मिरास की बात नहीं सुनी। हुजूर मिरास क्या है जी? फर्ज है। मिरास क्या है? साता चलीसवा कुल, ये मुस्तहब अमल है। दिशा साहब क्या है जी? ये सुन्नत तो नहीं है जी, नेकी का काम है। इसमें हमारे मुशायख लाते हैं हदीस पाक के नबी अजबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों पे हाथ रखा, उसमें पढ़ा, तकसीम किया, लेकिन मुस्तहब अमल है। उलमा फरमाते हैं ये सुन्नत के मकाम पे नहीं है, लेकिन जो फर्ज है। अब तो बड़ा अजब मामला है, शायद आपके इलाके में हो, किसी की माँ फौत हो जाए तो बेटा अपने मामों को फोन करता है कि मामू जी खफन कदों कर लोगे? इंजी होंगे जी, मामू जी खफन कदों आएगा? अल्लाह अकबर। एक इलाके में मैं चला गया, फकीर उधर जनाजा था, एक बंदा मुझे मिला, मैं कहा चौधरी साहब तुम इस इलाके बड़ी दूर दराज कि आखिर लगे जनाब मेरी फौत होना जी, मेरी फूफी सी, मैं खफन लेके आया, तो मैं 10 किलो भोए खा गया, जो नहीं दी खफन लेके आ गया। बटियों बच्चियों के साथ जुल्मन हमारे यहाँ, और बाप जुल्म करता है वो बच्ची को अपनी जिंदगी में दखल कर देता है। मिरास के लिए मैयत होना शर्त है, मिरास होती है उसको, जब बंदा मरता है तो फिर मिरास होती है, जिंदगी जी में मिरास नहीं होती, वो बेदखल करता है अपने बच्चों को। अल्लाह, एक शादी की बात कर दी, एक फौतकी की बात कर दी। आपने तुहाडे च कोई बंदा ऐसा है गया जिन्हें कभी 40वें दिन गया हो? सारे कह रहे हैं तुहाडे च कोई बंदा ऐसा है गया कभी मिरास से कट के गया हो? दीन लियाने वास्ते कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, फिर दीन चूंकि हमने बेड़ा उठाया इंशाल्लाह, तो ये लाजमी तौर पर हमें चाहिए कि हम अपनी बहनों का हक ना खाएं, बेटियों का हक, बेटियों में दखल ना करें, जिससे बेटी ले उस पर जुल्म ना करें, उसको ये ना करें। हम जानू ये भी अगले रात उस्ताद फरमा रहे थे कि मैं उधर गया हूँ कसूर में, वहां पे जवान ने 125 मोटरसाइकिल दी, उसने बाचा भी वापस कर दिया। कहते मुझे पता चला, वहां में बड़ा खुश हुआ, शायद उसने तो आलिम होगा, वो देखा आलम नहीं समय कि तू मोटरसाइकिल चाबी क्यों वापस की थी पुत्रा? मैं मेरा दिल था मैं उसका माथा चूमता, शाबाश देता। उसने कहा जी हूँ मोटरसाइकिल दौड़ नहीं गड्डी का दौड़ मेरे सेवरे मेरे गड्डी दे। कहता है मैं उसका मुंह देखने लग पड़ा और मेरा दिल में दिल जिसे चीर गया। हमारे इलाके में एक मुरीद के मेरे मुश्किल करीम के आस्थाने के बिल्कुल करीब एक बच्चे की शादी हुई, तो पहले दिन ही मियाँ उसका गया बच्ची को कमरे में, उसने जाके पिस्टल से फायर करके बच्ची को खत्म कर दिया। उसने कहा तेरे प्यो ने मेरी नक बढ़ा देती है, मैंने गड्डी नहीं दी थी। जहालत 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 जहालत। बाप के मरने के बाद ये रस्म जो जहेज वाली रस्म है खत्म करें, इसके बाद में सारे मामला सीधे हो जाएंगे। बाप के मरने के बाद जब उसको मिल जाए, जैसे जकात के लिए जरूरी है कि साइल के हाथ तक पहुंचे, मिराज के लिए जरूरी है कि उसके हाथ तक पहुंचे, अब बेशक वो बाप को सदका कर दे, भाई को सदका कर दे, भेड़ को सदका कर दे, अपने पुत्रों को सदका कर दे, जितने मर्जी कर दे, लेकिन हमने माहौल ऐसे बनाए हमारा तंद नहीं ताने बिगड़ गए, नीचे से दीवारें सीधी नहीं होगी, ऊपर से इमारत कैसी सीधी हो जाएगी।